बीती शाम गंगा नहाने के दौरान डूबे ऑटो चालक का शव आज बरामद हुआ। जिले के बड़हरा प्रखंड के कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के मोहली घाट पर नहाने के दौरान मौत के शिकार ऑटो चालक पंकज का शव आज बरामद होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि पंकज रविवार दोपहर अपना ऑटो रिजर्व कर मोहली घाट की ओर गया था। ऑटो सवार लोग सतुआनी पर्व को लेकर गंगा नहाने चले गए, जिन्हें देख पंकज भी गंगा नहाने चला गया। कुछ देर बाद ऑटो सवार लोग नहाकर वापस ऑटो के पास लौटे तो पंकज को नदारद पाया। आसपास के लोगों ने पंकज के गंगा में नहाने की बात कही, जिसके बाद उसकी खोजबीन शुरू हुई, लेकिन रविवार देर शाम तक उसका शव नहीं मिल पाया। आज दोपहर स्थानीय गोताखोरों ने पंकज का शव नदी से बाहर निकाला, जिसके बाद उसके शव को मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक ऑटो ड्राइवर पंकज कुमार आरा के करमन टोला का रहने वाला बताया जाता है। मोहली घाट के और हाँ वहाँ इनसे पहले एक और ही लड़का डूबा था, तो खबर हम लोगों को मिला तो हम लोग अपना अफसर से खबर किए आए। उसके बाद में फिर थोड़ा देर के बाद लाश नहीं मिला, छाना गया, छान दिया गया। छान देने के बाद में लाश ऊपर आया। उसके बाद में हम लोग दो अढ़ाई बजे तक थाना चले गए। उसके बाद जो है कि मैं ये लुगारा वाला पटना वाला पार्टी लोग पहुँच गए। मेरा भी एक तो भाई आया था टेम्पू लेकर के, उस पार में टेम्पू लगाया है। नहाने के लिए वो लोग बोला टेम्पू वाला भाड़ा वाले आदमी, कहीं बेचारे नहीं गए। लेकिन फिर थोड़ा देर के बाद एक आदमी इन्हीं का परिचित नहीं गया, तो गमछी दिया, इनके पास गमछी वमछी कुछ नहीं था, तो गमछी दिया। वो गमछी लेकर के गए, पुल से पार हो गए उत्तर तरफ जाकर पुल से पश्चिम साइड में नाव लगी हुई थी। नाव के बगल में बेचारे कपड़ा खोल कर रख दिए, स्नान करने के लिए हेले। इतना ही तब बस जानकारी है। कब इनका लाश मिला है? लाश तो आज मिला है, आज सुबह मिला है ना, करीब करीब 12 बजे। 12 बजे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोहन। क्या किस पद पे हैं? हम सिपाही में हैं।